सो वेलकम बैक, दिस इज टुडेज वर्ड्स एंड आई एम योर आशुतोष सर। सबसे पहले जो लोग भी इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए, आपको इंस्टाग्राम पे आईडी दिख रही होगी। फॉलो आपको इसलिए करना है क्योंकि मैं वहाँ पे पोएम्स अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी में कविताएं अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी कविता अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ट्रेजडी। ट्रेजडी में बी ए सेकेंड ईयर का ये पहला टॉपिक है, तो बी ए सेकेंड ईयर वालों के लिए सेकेंड पार्ट है ये ट्रेजडी का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वो पहला पार्ट दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इंग्लिश ट्रेजडी, बट उससे पहले हम पहले कुछ ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बिना आगे समझ में नहीं आया, जैसे कि आप जानते हैं। सबसे पहला है प्लेराइट। प्लेराइट का मतलब क्या होता है, एक इसमें देख लीजिए जरा सा कि प्ले राइटर ये अलग वर्ड है और प्ले WRIGHT प्लेराइट, ठीक है, ये प्ले राइटर अलग वर्ड है, प्ले राइट अलग वर्ड है, WRIGHT ये एक साथ लिखा जाता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, ये उन लोगों को कहते हैं जो प्लेस लिखते हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखते हैं प्लेस की, उन्हें कहा जाता है प्लेराइट, ठीक है। अब दूसरा है वर्नाकुलर। ये एक तरह का ग्लॉसी नहीं, से हम शब्दांश नहीं बोलेंगे एक तरीके से, ये पूरा पूरा एक बहुत बड़ा टर्म है वर्नाकुलर। जैसे कि आपने देखा ग्रीक ट्रेजडी चेंजेस उसमें आ रहे थे, अरिस्टोटल से मैंने पढ़ाया था आपको ना, तो उसमें कुछ पैटर्न्स थे कि ये इसी तरह से लिखी जाएगी। तो जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर रोमन में जो भी ट्रेजडी लिखी जा रही थी वो थिएटर्स में परफॉर्म हो रही थी और इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंग्लैंड में पड़ रहा था। तो वर्नाकुलर एक वर्ड है जिसमें 3 वर्ड आते हैं, वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं, यानी आप उसको बोल सकते हैं 3M भी बोल सकते हैं। वर्नाकुलर वर्ड के अंदर 3M आते हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि 3M का मीन्स क्या हुआ। तो पहले आप सुन लीजिए क्या था कि वर्नाकुलर में जब 11th सेंचुरी 10th 11th 12th सेंचुरी जब चल रही थी, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जब इन्फ्लुएंस पड़ रहा था रोमन ट्रेजडी का, तो उस समय वर्नाकुलर के अंदर 3 प्लेज लिखे जा रहे थे इन द सेंस ऑफ परफॉर्म भी हो रहे थे। तो पहले इनको आप जान लेते हैं 3M का मीनिंग क्या होता है। पहला M का यानी मिरेकल प्लेस, दूसरा मोरालिटी प्लेस, तीसरा मिस्ट्री प्लेस, ठीक है। तो ये 3M मिलके एक वर्नाकुलर प्लेस बनते हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। तो कोई बोले वर्नाकुलर प्लेस क्या होता है मेडिवल इंग्लिश पीरियड में, तो आप बोलेंगे 3 M's होते हैं, यानी मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस और मिरेकल प्लेस, ठीक है। तो ये जो है आपका 10th सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी इन द सेंस ऑफ 1430 तक हम लेते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। तो ये पूरा ऐसे चलता हुआ आ रहा था, मतलब कि इधर जो ग्रीक था, ग्रीक में रोमन्स जीत चुके थे, मैंने बताया था पहली वीडियो में। तो रोमन्स वहाँ पे जो सेनेका जो थे, उन्होंने जो पूरी उन्होंने कलेक्शन लिखा था आपको, हमने वो बताया था, उसका इन्फ्लुएंस, मतलब कैसे होते हैं कोई एक काम करता है तो दूसरे को उसके बारे में पता चलता है, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित। तो यहाँ से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, इंग्लैंड में प्लेस परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। अब जो परफॉर्म हो रहे थे उनको कहा क्या गया था, उनको क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्लेस कहा गया, जिसके अंदर 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ प्लेस परफॉर्म होते थे, ठीक है। अब इन प्लेस की खासियत क्या है कि अगर हम मिरेकल प्लेस की बात करें, मिरेकल प्लेस केवल ओनली बात करें हम मिरेकल प्लेस की, तो मिरेकल मतलब जादू होता है, हिंदी में तो वही होता है। तो मिरेकल प्लेस मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वक्त, ठीक है, समझिए मिरेकल प्लेस मतलब वो लोग जैसे एक सेंट्स साधु लोग या फिर जो चर्च के जो साधु लोग थे उनकी लाइफ के ऊपर, ठीक है, वो प्लेस परफॉर्म होते, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा पादरी था उसके अंदर कुछ शक्तियाँ थी या फिर इस तरह से करके, ठीक है, तो उसको प्लेस बनाया जाता था, ठीक है, इसी के मिरेकल प्लेस के अंदर था। ये तो पादरी की लाइफ के ऊपर होता था, ठीक है, या तो उसने बहुत अच्छा कोई काम किया है तो उसको लेकर के होता था, या तो फिर बाइबल, ठीक है, उस समय जो हमारी हॉली बुक थी उधर इंग्लैंड की कौन थी, बाइबल थी। तो बाइबल का एक इसमें चीज़ क्या है मिरेकल प्लेस में,
बाइबल जो किताब है वो लिखी किस वे में गई, प्रोज वे में लिखी गई, ठीक है, मतलब कि गद में लिखी गई है, ठीक है। अब उस प्रोज वे को तो परफॉर्म नहीं कर सकते वो थिएटर में, तो उन्होंने क्या किया, प्रोज नरेटिव को डायलॉग नरेटिव में चेंज किया, ठीक है, और फिर उसको थिएटर में परफॉर्म किया। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि उन्होंने जो है बाइबल के जो है प्रोज सेक्शन को वहाँ से छोटी छोटी स्टोरीज को उठा के डायलॉग स्टोरीज में बदल के उसको परफॉर्म किया। परफॉर्म कौन करता था, जो वहाँ पे आर्टिस्ट थे वो कोई बाहर नहीं थे, वैसे चर्च के पादरी लोग थे या चर्च से जुड़े हुए लोग ही इसको परफॉर्म करते थे। ऑन द फेस्टिवल ऑफ कोई भी फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे फेस्टिवल में परफॉर्म होता था। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस जगह ये परफॉर्म होता था वहीं की जो लोग लोकल लोग हैं उसी लैंग्वेज में ये परफॉर्म होता था, खासकर लैटिन और फ्रेंच। अब हम बात करते हैं सेकेंड एम की, जो क्या है, मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी मतलब मोरल, मोरल मतलब क्या होता है, आदर्शवाद, यानी कोई आदर्श इंसान। तो कॉमन सी बात है, इन प्लेस के अंदर क्या होगा, किसी एक पर्सन की अच्छाइयों को दिखाया जाएगा, जैसे कि उसकी गुडनेस, काइंडनेस, मोरालिटी और उसका जो है बर्ताव, बिहेवियर। तो इस तरह से क्या होता था कि उस समय के लोगों को टीच किया जाता था कि एक मोरल पर्सन कैसे हो सकता है, तो प्लेस के माध्यम से उस समय वहाँ के लोगों को एक तरीके से सिखाया जाता, ठीक है, ये समझ में आया। मोरालिटी प्लेस क्या होता है, मोरालिटी प्लेस उसके वर्ड में ही लिखा हुआ है, मोरालिटी मतलब क्या होता है, तो ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होगा समझने में। मोरालिटी प्लेस के बाद क्या हुआ, मिस्ट्री प्लेस। अब मिस्ट्री मतलब क्या होता है, मिस्ट्री मतलब हिंदी में क्या होता है कि कुछ ऐसा जो सॉल्व करना हो, ठीक है, मिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्ट्री, रहस्यमय, याद आ गया। तो मिस्ट्री मतलब क्या हुआ, रहस्यमय, कोई रहस्यमय चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको लेके कुछ इंटरेस्ट जागे। तो उस समय रहस्यमय चीज़ जो जिस पे परफॉर्म होता था वो क्या था कि एडम एंड ईव, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है एडम एंड ईव की, किस तरह जो है एडम धरती पे आया, ठीक है, वो बताया गया था। एडम ईव का कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हो गया मर्डर ऑफ एबल हो गया, ठीक, ये हो गया, एंड तीसरा क्या हो गया, द लास्ट जजमेंट। ये तीन एक ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें क्या परफॉर्म होता था, हमारा मिस्ट्रीज प्लेस जो है उस समय के थीम, इसी थीम पे ऊपर परफॉर्म होता था। तो ये तीन मिलके क्या बनता है, वर्नाकुलर प्लेस बनता है, जिसकी जो है सेंचुरी 10th सेंचुरी से लेके 1430 अराउंड, यानी 15th सेंचुरी तक ये आराम से इंग्लैंड में परफॉर्म किया जा रहा था। और ये बहुत ही मेन है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम, जो मैंने लिखा है WPP.D, ये क्या है, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं ड्रामा सेक्शन। तो ड्रामा सेक्शन में क्या होता है कि जैसे किसी ने, मैंने कोई किताब लिखी, ठीक है, मैंने कोई किताब लिखी, उसको कोई टाइटल दिया, तो मैंने जिस समय में लिखा उसे हम बोलते हैं रिटन, यानी मैंने किस समय में लिखा, ठीक, हम ड्रामा पढ़ रहे हैं ना। तो ड्रामा में क्या होता है कि हमने कब लिखा ये अलग है, दूसरा वो कब जाके थिएटर में परफॉर्म हुआ वो चीज़ अलग है, तीसरा अब परफॉर्म होने के बाद उसने जो है बहुत पॉपुलर गेन किया तब वो जो है छपने को जाएगी, किसके पास, पब्लिशर के पास, फिर वो किस फॉर्म में निकलेगी, बुक फॉर्म में आ जाएगी हमारे रीडर के पास। ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि वो कब लिखा गया था, कब थिएटर में परफॉर्म हुआ था, और फिर उसकी पब्लिश डेट क्या है, पब्लिश डेट क्या है, पब्लिश डेट मतलब क्या होता है कि कब वो बुक फॉर्म में आई, ठीक है। अब बुक फॉर्म इन द सेंस आप वो मत समझिएगा कि उस समय जो है आपको बुक मिलती, जैसे कि आज हम लोग बुक खरीद लाते मार्केट से, उस समय बुक नहीं मिलती थी, उस समय कॉल टू और फोलियो चलता था, यह एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं बुक फॉर्म का मतलब बोल रहा हूँ जो पेजेस में लिख के आते थे, ठीक है। अब ये तीन बहुत ही मेन टॉपिक्स है इसलिए मैंने इसको समझा दिया है, आई होप आपको वर्नाकुलर अच्छे समझ में आ गया हो कि ये बहुत ही मेन है कि उस की अभी जो हम पढ़ेंगे उससे पहले के प्लेस को क्या कहते थे, तो वर्नाकुलर प्लेस कहते थे। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है चेंजेस और आते हैं आगे चल के, क्योंकि हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 1450 तक पढ़ लिया, 1450 यहाँ तक जो है आराम से वर्नाकुलर प्लेस चल रहे थे, मोरालिटी प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मिरेकल मोरालिटी एंड मिस्ट्री प्लेस, ठीक है। तो ये जो है तीनों आराम से चल रहे थे। 1450 के बाद क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है, जो कि आपको एग्जैक्ट डेट कोई नहीं मिलेगी 1450 तक। मैंने ये देखा रिसर्च में कि 1450 के बाद मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस को काफ़ी जगह जो है पाबंदी लगा दी गई, वहाँ उनको थिएटर्स नहीं मिल रहे थे, परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो अब ये था एक वक्त जो चेंज ला रहा था।
अब उधर आपको पता है ना ग्रीक ट्रेजेडी में पोटिस लिखी गई है, तो वो पोटिस क्या होता है कि छप छप जाती है, तो छप के जो है लोगों को पढ़ने को मिल जाती है। तो उस समय के जो ड्रामेटिस्ट है, जो उस समय के हमारे प्ले राइट थे, उनको भी पढ़ने को मिला होगा, कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ से बदलाव आता है। अब ठीक जो है ये पूरा एक 100 ईयर्स का बदलाव लेती है ड्रामा, पूरा ये पोर्शन जो इंग्लिश इंग्लैंड में चल रहा है, ये वहाँ से पूरा 100 साल में इसके बदलाव, काफ़ी जगह ये प्लेज जो है परफॉर्म होते हैं और काफ़ी जगह इनको मना मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बदलाव आते आते एक जाके हमारी जो है ट्रेजडी गोर्बो डक, गोर्बो डक ये जाके क्या होती है पब्लिश होती है। फिर इन द सेंस ऑफ हम बताते हैं हम आपको कि मैंने क्या बोला कि रिटर्न अलग होता है, परफॉर्म डेट अलग होती है, पब्लिश डेट अलग होती है, तीनों डेट अलग अलग होती है। तो अगर आपको कोई डेट मिलती है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए ये कौन सी डेट है। ये रिटर्न डेट हम पढ़ रहे हैं कि हमने ये पब्लिश डेट पढ़ी है कि हमने इसको जो है परफॉर्म डेट में याद किया है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब गोरबोटक क्या होता है, अभी तो ये लिखी गई होगी, जिसने भी इसको परफॉर्म कराने वाला होगा उसने लिखा होगा पहले। अब क्या होगा कि परफॉर्म होगी, तो ये परफॉर्म होती है जाके 18 जैन 1561, ठीक है, ये जाके इस दिन में जाके ये परफॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अभी हालांकि वो जो है गद्दी में बैठ चुकी हैं, देखिए क्वीन एलिजाबेथ हमारी 1558 से है ना, तो इस दिन अब तो इस जो वक्त चल रहा है उस समय वो गद्दी पे है, तो हम क्या बोलेंगे क्वीन एलिजाबेथ, उनके सामने जाके ये परफॉर्म होती है। तो ये कौन से थिएटर में परफॉर्म होती है, उस थिएटर का नाम क्या था, व्हाइट हॉल, व्हाइट हॉल, व्हाइट मैन सफ़ेद हॉल माने कमरा, सफ़ेद कमरे में, ठीक है। तो गोरबटक जो है व्हाइट हॉल में जाके परफॉर्म होती है। मैं इसलिए इसलिए करता हूँ ताकि याद रहे, अगर आप इस तरीके से थोड़ा फनी नहीं करेंगे ना तो आपको इतने ज़्यादा थिएटर याद करने पड़ जाएंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा प्ले कौन सी ट्रेजेडी कहाँ पे परफॉर्म हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा फनी वेम बनाया करिए। तो व्हाइट हॉल में जाके परफॉर्म हुई और अंदर ही के लोग इसको परफॉर्म करे। तो अंदर ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि उस समय टेम्पल का नाम था इनर टेम्पल, अंदर, तो अंदर ही के लोगों ने, मतलब कि इनर टेम्पल जो जगह, मतलब वो समय जो सेंट थे वहाँ के जो चर्च थे उसका नाम था इनर टेम्पल, तो इनर टेम्पल के लोगों ने ही इसको जो है इस व्हाइट हॉल में 18 जनवरी 1561 को इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के सामने गोरबटक का सीन प्रेजेंट किया था। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है लिखा किसने था, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं। ये दो लोगों ने लिखा है, एक के साथ नहीं लिखी गई है, इसमें 5 एक्ट्स हैं, ठीक है, और 3 एक्ट और 2 एक्ट, यानी तीन एक इंसान ने लिखा है, बाकी के दो लास्ट 2 एक्ट से वो अलग अलग इंसान ने लिखा है। जो 3 एक्ट लिखा है वो उसका नाम है थॉमस नॉर्टन, और जो बाकी के 2 एक्ट लिखे हैं उनका नाम है थॉमस सैकविल। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और याद रखने वाला भी है कि कितने एक्ट्स हैं और कितने एक्ट्स किस इंसान ने लिखे हैं और बाकी के 2 एक्ट किसने लिखे हैं। अब एक और चीज़ इसमें जानने वाली वो है, ये है कि लिखा किस में गया है, ब्लैंक वर्स में, ठीक। इतनी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ने वाली हैं, हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं कि कौन से किंग पे है, इनके बेटे जो 2 बेटे के ऊपर लिखा गया है उनका नाम क्या है, तो ऐसे बहुत चीज़ें इसमें जो है पढ़ने वाली हैं, लेकिन और हम बताएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी आप देखेंगे है नहीं, तो कम चीज़ बताते हैं। तो ये हो गया इसमें गोरबटक। तो गोरबटक क्या करता है, किसको ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से, कौन किसको ख़त्म करता है, वो वर्नाकुलर प्लेस को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जब गोरबटक परफॉर्म हो जाती है थिएटर्स में उस वक्त से, उसी वो टाइम था जो वर्नाकुलर प्लेस का एंड माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद तो वर्नाकुलर प्लेस कोई देखेगा नहीं, कॉमन सी बात है कि जब कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो कोई पुरानी चीज़ क्यों देखेगा। तो यहाँ से गोरबटक की सीन से, गोरबटक का जो परफॉर्मेंस के बाद से वर्नाकुलर प्लेस परफॉर्म नहीं होते। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पूरा इंग्लिश पीरियड अच्छे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो
तो गोरबड़क के बाद से स्टार्टिंग होती है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, हम पांच लोगों के बारे में इसमें पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पांच लोग को इसमें सेलेक्ट किया है जिसमें हमको इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में उन पांच लोगों के बारे में पता होना चाहिए और उनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। पांच क्यों मैं आपको क्या करके बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन पांच मैंने क्यों कंसिडर किया इन्हीं लोगों को वो मैं रीज़न बताते चलूँगा। सबसे पहले याद कैसे करेंगे, CWJHA, क्या याद करेंगे आप, CWJHA, क्या आपको CW होमवर्क मिला है, JHA। और देने वाली मैम का नाम क्या है, मिसेस झा, CW झा, JHA, मैंने ऐसे याद किया है। आप कैसे याद करते हैं आप देख लीजिए। सी से क्रिस्टोफर मार्लो, कौन है ये, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। जब मेरा चैनल स्टार्ट होता है, मतलब जब मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा वीडियो अब स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें इंट्रो आता है ना, तो 7 पिक्स बन के आती है, उसमें से एक पिक ये, ठीक है, ये क्रिस्टोफर मार्लो कहते हैं इनको। तो अब इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में मैंने क्यों पढ़ने के बारे में बोला इसलिए क्योंकि यहाँ से ग्रीक ट्रेजडी का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने ग्रीक ट्रेजडी का काफ़ी इन्होंने मतलब फॉलो किया है, सेनेकन ट्रेजडी का इन्फ्लुएंस इन पे काफ़ी ज़्यादा था इनके वर्क्स के ऊपर। कौन सा वर्क है, द ज्यू ऑफ माल्टा, और भी इन्होंने एडवर्ड सेकेंड लिखा हुआ है। तो इनके जो वर्क्स है उसमें ग्रेट लोग मतलब कि राजा के लोग या फिर राजा के ऊपर इन्होंने काफ़ी ट्रेजडी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग यहीं से होती है, क्रिस्टोफर मार्लो से स्टार्टिंग होती है ग्रीक ट्रेजडी को, किस तरह लोगों ने ग्रीक ट्रेजडी को किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर स्टार्टिंग की, ठीक, इसलिए क्रिस्टोफर मार्लो। अब उसके बाद डब्लू कौन है, हमारे प्यारे विलियम शेक्सपियर, हालांकि ये मुझे बहुत पसंद है इंसान विलियम शेक्सपियर। ये इंसान इतना अच्छा था कि इसने जो है अब ध्यान समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं से पढ़ के नहीं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बहुत सारे वर्क्स पढ़ लेंगे, तब आपको किसी राइटर के जो है मीनिंग, उसके डेप्थ, उसने वो ऐसा काम क्यों किया होगा, वो आप थोड़ा सेंस समझ पाएंगे। तो ये विलियम शेक्सपियर जो था, इनकी बायोग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी तो पता चला होगा ये सब लोग विट्स लोग थे। विलियम शेक्सपियर आउटसाइडर था, जैसे कि नेपोटिज्म अभी चल रहा है ना, तो सेम उसी तरह विलियम शेक्सपियर क्या आउटसाइडर था, तो वो वहाँ से इंग्लैंड आया। अब इसने क्या किया, प्लेज में पहले तो एक्टिंग करने को मिला नहीं इसको, तो जब इसने धीरे स्टार्ट किया तो इसने देखा सेनेकन ट्रेजडी को एक पूरे प्रॉपर फॉर्म में लिखाया था, जैसे मैंने बताया था ना कि एक उसमें 3 यूनिटीज होनी चाहिए, कोरस होना चाहिए, प्लॉट सही होना चाहिए, तो इसने उसमें क्या किया चेंजेस लाना स्टार्ट किया, ट्रेजडी में थोड़ा ह्यूमर स्टार्ट किया, ह्यूमर जबकि ट्रेजडी में नहीं था, कॉमिक रिलीफ नहीं था, इसने स्टार्ट किया। दूसरा, इसने कोरस को हटा दिया, ठीक। तीसरा, 3 यूनिटीज को उसने फॉलो ही नहीं किया, प्लॉट, एक्शन, टाइम, इसने उसने कुछ भी फॉलो नहीं किया। इसलिए विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो काफ़ी तक कंसिडर किए जाते हैं चेंज इन ट्रेजडीज फ्रॉम ग्रीक, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का जो ऐसे कि चार वर्क हैं, हुकुम से याद रखिए, हुकुम, ये इनसे मैंने याद किया, सबको ये हुक्म दिया करते थे थिएटर में, तो हुकुम से याद रखिए कि एच से क्या होता है, एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। तो ये चार इनकी फेमस ट्रेजडीज हैं, बाकी मैंने आपको नोट्स में 10 लिखी है वहाँ पे, अभी मत नोट करिए, आराम से नोट करिएगा, वीडियो के लास्ट में नोट्स होते हैं पता है ना। तो आगे इनकी टाइटस एंड्रोनिकस है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा है, और कौन सी आएगी, रोमियो एंड जूलियट भी आएगी। तो इस तरह की बहुत आगे इनकी ट्रेजडीज़ हैं, मेरी चार मेन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द 4 फेमस ट्रेजडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो ये बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। थर्ड है जे, अब जे कौन है, जे से याद रखिए जॉन वेबस्टर, याद कैसे रहेगा। तो विलियम शेक्सपियर ने जो है एक तरीके से सबको अपने जाल में फंसा लिया था, कौन नहीं फंसा था, जॉन वेबस्टर। तो वेब से याद रखिए जाल, तो कुछ ना कुछ आपको तो बनाना पड़ेगा तभी याद रहेगा, वरना सीरीज याद नहीं रहेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब जॉन वेबस्टर क्यों लिया है, तो जॉन वेबस्टर ने जो है इनको पहले आपको पता होना पड़ेगा कि विलियम शेक्सपियर का जो एरा है वो आपका 1558 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है विलियम शेक्सपियर की, 1564, और 1558 जो है आपका क्या है एलिजाबेथन एरा स्टार्ट होता है, ये ख़त्म होता है जाके 1603 में, और 1603 से स्टार्ट होता है हमारा क्या जेम्स फर्स्ट का एरा, ठीक। जेम्स फर्स्ट के एरा को बोलते हैं जैकोबियन पीरियड, ठीक है। तो जैकोबियन पीरियड जब स्टार्ट होता है 1603 से, और इधर हमने क्या लिया जॉन वेस्टर, इनका 1612 में एक
क्वार्टो आता है, ठीक है। ध्यान समझ इसमें ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लिया है। तो जॉन वेस्टर का 1612 में क्या आता है, एक क्वार्टो आता है जिसमें डचेस ऑफ माल्फी एंड वाइट डेविल ये दो उसमें होते हैं, ये इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। ये एक अलग हीरा से आते हैं इसलिए इनका इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनका जो क्वेश्चन है डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा था, मालवी नहीं माल्फी, ठीक है, एंड वाइट डेविल किसने लिखी है, तो ये दो इनके जो है ट्रेजिडी हैं जो पूछा जाता है, तो लिखी गई है जॉन वेस्टर वेस्टर के द्वारा। इनका इरा चेंज हो जाता है इन दोनों के इरा से, सी डब्ल्यू यानी क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर के इरा से जॉन का इरा चेंज हो जाता है। तो दो अलग इधर, और फिर देखो आप जे हमने पढ़ लिया, एच से क्या होगा, एच से होंगे हेनरिक इप्सन, ठीक है। तो हेनरिक इप्सन को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ रियलिज्म, और खासकर इनके प्लेस को जो प्रॉब्लम प्लेस भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्ले जैसे कि द डॉल्स हाउस हो गया एंड द वाइल्ड डक हो गया, ये दो प्लेस इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो हेनरिक इप्सन को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनको कहते हैं फादर ऑफ रियलिज्म, यहाँ से कुछ नया स्टार्ट होता है। अब एट लास्ट ए, अब ए कौन है, देखो ध्यान समझिए, ए है आर्थर मिलर, ठीक है। अब आर्थर मिलर क्यों पढ़ना है, क्योंकि बहुत नीचे चले गए, हम बात कर रहे थे 1564 शेक्सपियर ऑफ बर्थ है, हम बात कर रहे हैं गुरबडक की 1561, यहाँ से हम कहाँ आ गए, हम आ गए यहाँ पे 20th century यानी 90s में भी हम घूम रहे हैं। 90s कौन, आर्थर मिलर, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 90s में है, इनकी डेट ऑफ डेथ है 2005, अभी जल्दी गए हैं 2005 में। आर्थर मिलर को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनके जो प्लेज हैं, जैसे कि इनका प्लेस कौन कौन सा है, इनका प्लेस पहला आता है आपको ऑल माई सन्स, दूसरा आता है द डेथ ऑफ सेल्समैन, तीसरा द क्रूसिबल, फोर्थ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। इसमें से जो वर्क है व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये एक ऐसी ट्रेजडी है जो कहाँ पे इनका मतलब पूरा सेनेकन पे डिपेंड करती है। मतलब आप उसको सोचिए 1561 से वर्नाक्लोर ख़त्म हुआ, उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने आया, ट्रेजडी कुछ फॉलो नहीं किया, सीधा 19th century में कोई आता है एसेइस्ट है और ये इनको जो है ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, तो इन्होंने एक ट्रेजडी लिखी अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, उस ट्रेजडी में इन्होंने कोरस डाला, आप खुद सोचिए इन्होंने कोरस यूज़ किया। दूसरा इन्होंने जो है उसमें प्लॉट और सिस्टमेटिक तरीका जो पूरा एरिस्टोटल ने बताया था पूरा फॉलो किया, और ख़ास कर क्या है इनकी जो इस ट्रेजडी को जो है एरिस्टोटल की ट्रेजडी में बिल्कुल फिट बैठती है, एक प्लॉट एक सीन में ख़त्म भी हो गया, तो इसीलिए इनकी ये वाली जो है ट्रेजडी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज आपको मिल जाएगी नोट्स में, तो इसीलिए इन पांच लोग को पढ़ना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश ट्रेजडी पढ़ रहे हैं। तो आप बात करते हैं कि वर्क्स की, ऐसे मैंने जितने भी इन लोग के वर्क्स बताएं आपको उन वर्क्स के बारे में क्या याद करना है, ये मत याद करें कि नहीं इसकी डेट ऑफ बर्थ ये यही डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं, डेट ऑफ पब्लिश डेट ये है, डेट ऑफ परफॉर्म ये है, इसी दिन परफॉर्म की गई थी। आपको याद क्या करना है, किस कौन सा वर्क जो है किसने लिखा है, क्योंकि जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि ये जो राइटर हैं इन्होंने कौन सी नहीं लिखी, ठीक, पहले इस तरह क्वेश्चन बनता है। अगर आपको सारे जो उसमें वर्क्स लिखे हैं आपको पता है किसने लिखा है तो आप आराम से बता देंगे इन्होंने जो कौन सा नहीं लिखा है। दूसरा क्या होता है कि इसका जेनर कौन सा है, तो अगर आपको सब कुछ पता है कि ये ट्रेजडी मैंने पढ़ा था इस बुक को तो आपको पता होगा ये ट्रेजडी से रिलेट करती है तो कॉमेडी तो नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको खाली वर्ड्स को अच्छे से राइटर के थ्रू याद रखना है, अगर आप ये रखते हैं तो आप MCQ बहुत जल्दी से कर ले जाएंगे, आपको बस आंसर याद ही रहेगा, समझिए इस तरह से। आई होप मैंने पूरा को कम्प्लीट कर दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है ना, तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा